हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैलिश। सो आज की इस वीडियो में हम होम पेज पार्ट 4 पे वर्क करेंगे। तो आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे आज की जो वीडियो है, यहाँ पे हम होम पेज पार्ट 4 में क्या करेंगे कि जो भी हमारी पेंडिंग है सेक्शन से, तो उसको हम यहाँ पे क्लीन अप करेंगे, उसका हम इश्यू फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वाला सेक्शन भी है एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि मीट एजेंट वाला सेक्शन भी है, तो उसको आज हम डायनेमिक करेंगे। तो चलो अभी वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो फर्स्ट स्लाइडर सेक्शन से हम चेक करते हैं। यहाँ पे ये वाला स्लाइडर सेक्शन से, तो यहाँ पे तो प्रॉपर है, टाइटल, एड्रेस, स्क्वायर फुट, बेडरूम, किचन, प्राइस। यहाँ पे वन चीज हमारी बाकी है, कॉन्टेक्ट एजेंट करके। तो उसको हम चेक करते हैं कि हमारा जो कॉन्टेक्ट वाला जो बटन है वो हमारा यहाँ पे पेंडिंग। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, प्रिंट अंडरस्कोर आर फॉर इच लूप में स्लाइडर इन्फो। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी इमेजेस से, यहाँ पे टाइटल से, कॉन्टेक्ट एजेंट्स, हमें यहाँ पे एरे मिल रहा है, उसके अंदर हमारा बटन्स होगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉन्टेक्ट एजेंट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफिस पेस्ट, इसको एक वेरिएबल में ऐड कर देता हूँ, कॉन्टेक्ट एजेंट को। यहां से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं कॉन्टेक्ट एजेंट बटन्स, उसका डॉलर नेम दे देता हूँ मैं कॉन्टेक्ट एजेंट्स बटन थिंग। एंड अभी मैं क्या करूंगा, कॉन्टेक्ट एजेंट वाला जो वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, कॉन्टेक्ट एजेंट बटन। मैं चेक कर लेते हैं कि हमें एक्चुअल में वैल्यू क्या मिल रही है। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ मेरा नेम शैलेश, क्योंकि मेरे को प्रिंट नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसकी वजह से मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे को मिला है टाइटल्स, यूआरएल्स एंड टारगेट नेम्स। यहाँ से मैं कॉपी करूंगा ये वाला वेरिएबल्स, कॉपी एजेंट्स बटन्स, और यहाँ पे मैं उसको टाइटल में पहले पेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, टाइटल को गेट करना है, टाइटल को, यूआरएल को टारगेट। यहाँ पे पीएचपी टैग स्टार्ट, यहाँ पे पीएचपी टैग स्टार्ट एंड डॉलर इकोस कॉन्टेक्ट एजेंट बटन, उसके बाद इसके अंदर आएगा हमारा टाइटल्स एंड यहाँ पे आएगा यू आर एल्स। यहाँ पे आएगा यू आर एल्स, अभी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, यहाँ से प्रिंट हटा देते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो यहाँ से आई थिंक मेरे को लग रहा है इधर कोई इश्यूज है, ये मैं यहाँ से जस्ट निकाल देता हूँ, टाइटल्स भी और यूआरएल भी चेक करता हूँ अभी। कॉन्टेक्ट एजेंट तो मेरा नेम मिल रहा है इधर मेरे को। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ टाइटल्स, यही टाइटल को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, डॉलर टाइटल्स।
अभी हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्टेक्ट वाला जो एरिया है उसको हम यहाँ से नीचे ले लेंगे, यहाँ से बटन के पास। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये जो स्लाइडर में से हमें एरिया मिल रहा है उसको हम रेफरेंस कोड के हिसाब से यहाँ से कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे बटन 1 एंड 3। सो यहाँ पे बटन टाइटल ऐड किया, यहाँ से निकाल देता हूँ बटन टाइटल्स। यहाँ पे एक बटन्स यूआरएल्स पोस्ट जो अंदर बटन यूआरएल्स, सॉरी यहाँ पे बटन टाइटल्स आएगा, तो बटन टाइटल्स मैंने ऐड किया है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा बटन एजेंट वाला जो है टाइटल्स यहाँ पे आ गए हैं। अभी हमें क्या करना है, यूआरएल गेट कर। यूआरएल के लिए भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे $PHP स्टार्ट एंड इको $PURLs। ओके, टारगेट ब्लैंक के लिए यहाँ पे आएगा टारगेट इक्वल टू, यहाँ पे आएगा टारगेट ब्लैंक। जैसे कि आप टारगेट ब्लैंक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप बैकएंड में अनचेक चेक कर सकते हो, उसके हिसाब से आप टारगेट ब्लैंक को भी कर सकते हो, न्यू टैब में ओपन कर सकते हो पेज को। यहाँ पे मेरा बटन वाला फंक्शनलिटी था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ओके, यहाँ पे है $#। यहाँ से मैं चेक करता हूँ जस्ट के, यहाँ पे test 2 कर देता हूँ, test 789 कर जस्ट चेक करता हूँ होम पे स्लाइडर 1 के लिए। यहाँ पे अपडेट, ओके test 789 डायनामिक हो गया। तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट में यूआरएल भी ऐड कर सकते हो और ओपन न्यू टैब लिंक्स। जैसे आप ओपन न्यू टैब लिंक करोगे तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा न्यू पेज पे ओपन हो जाएगा। ओके, तो उसका फंक्शनलिटी भी हम यहाँ पे कर दिया है, टारगेट न्यू ब्लैंक सेल्फ या तो चेक अनचेक। यहाँ पे वो स्लाइडर सेक्शन वाला हो गया है। यहाँ पे मैं एज इट इज नेम ऐड कर दे रहा हूँ कॉन्टेक्ट एजेंट करके, इसे अपडेट करना है। ओके, ऐसे मैंने अपडेट कर दिया। अभी हम वर्क स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी वाला पेज पे। तो हमारा जो स्लाइडर सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है टोटली। जितना भी हमारा फील्ड था, स्लाइडर था, इमेजेस था, प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन रिलेटेड था, सारे के सारी चीजें यहाँ पे हमें डायनेमिक कर दिए। तो अभी हम वर्क करेंगे स्टार्ट रिसेंट प्रॉपर्टी वाला सेक्शन। तो रिसेंट प्रॉपर्टी वाला सेक्शन के ऊपर आप देख रहे हो कि सेल्स एंड रेंट करके एक टैब है, ये वाला टैब है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जो प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू है, प्रॉपर्टी ग्रिड व्यू है, उसके अंदर उसको ऐड करेंगे। अभी के लिए जस्ट हम द एंटायर द पेज, जस्ट हम मेन सेक्शन ही यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो फील्ड है, सिटी, सर्च बाय प्रॉपर्टी एड्रेस, लोकेशंस, वो सारी फील्ड हमें प्रॉपर्टी लिस्ट आउट पेज में ऐड करेंगे। जो चीजें हमें जरूरी है वही हम ऐड करेंगे, बाकी अननेसेसरी फील्ड है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं रिसेंट प्रॉपर्टी वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे बैकएंड में चेक कर लेते हैं रिसेंट प्रॉपर्टी वाला सेक्शन से। यहाँ पे तो नहीं है रिसेंट प्रॉपर्टी वाला सेक्शंस, लेकिन हमें क्या करना है, इसी को हमें क्या करना है, डायनामिकली करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट जनरेट करेंगे। शॉर्टकट जनरेट करने के बाद उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी रियल इस्टेट वाला जो मेरा थीम्स फोल्डर है उसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा शॉर्टकट करके, और यहाँ पे एक मैं फाइल क्रिएट करूंगा प्रॉपर्टी ग्रिड व्यू, प्रॉपर्टी ग्रिड करके मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट किया है।
डॉट पी एच पी फाइल्स। अभी हमें क्या करना है, ये वाली जो फाइल्स है उसको हमें क्या करना है, फंक्शन डॉट पी एच पी फाइल्स के अंदर कॉल बैक करना है। तो फंक्शन डॉट पी एच पी फाइल्स के अंदर मैं यहाँ पे कॉल बैक करता हूँ रिक्वायर्स वन से, उसकी जगह पे नीचे में और एक फंक्शन ले लेता हूँ रिक्वायर्स, इंक्लूड की जरूरत नहीं है मेरे को। यहाँ पे मैं फोल्डर का नेम है वो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ शॉर्टकट्स, एंड उसके नीचे आएगा प्रॉपर्टी ग्रिड डॉट पी एच पी फाइल्स, प्रॉपर्टी ग्रिड डॉट पी एच पी फाइल्स। अभी हमें क्या करना है, ये जो फाइल तो हमें क्रिएट कर दी, उसको कॉल बैक भी कर दिया है बैकएंड में। अभी हमें क्या करना है, ये जो ग्रिड वाला जो पार्ट है वो पार्ट हमें क्या ऐड करना है, ये वाली फाइल प्रॉपर्टी ग्रिड वाली फाइल। तो यहाँ से हम पहले होम पेज में जाते हैं और यहाँ पे एक सेक्शन का यहाँ पे टाइटल भी हमें देना जरूरी है, फाइंड इन योर हाउस एंड रिसेंट प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहाँ पे हम बैकएंड में एक सेक्शन क्रिएट करेंगे फॉर दी रिसेंट प्रॉपर्टी सेक्शंस, और उसका टाइटल और सब टाइटल्स हमें डायनामिक पहले कर लेंगे, एसीएफ से उसको पहले डायनामिक कर लेंगे होम पेज के लिए। उसके बाद हम जो शॉर्ट कोड है वो शॉर्ट कोड आप कोई भी पेज पे ऐड कर सकते हो, उसको डिस्प्ले कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेटा बॉक्स एक क्रिएट कर लेता हूँ, प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन के नीचे मेरे को करना है वन स्लाइडर है, सर्विस मेटा बॉक्स है, उसके बाद पॉपुलर मेटा बॉक्स है, कॉल टू एक्शन मेटा बॉक्स है, एक नया मेटा बॉक्स कर लेता हूं मैं रिसेंट प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स कर लेता हूं प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स, रिसेंट प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स में ऐड करूंगा, ग्रुप ऐड कर दे रहा हूं। ग्रुप में जस्ट मेरे को ऐड करना है टाइटल्स एंड सब टाइटल्स, तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा टाइटल और एक नया फील्ड ले लेता हूँ यहाँ पे सब टाइटल्स। टाइटल्स एंड सब टाइटल्स यहाँ पे दो फील्ड मैंने लिए रिसेंट प्रॉपर्टीज के लिए, यहाँ पे सेव कर देता हूँ मैं, यहाँ पे चेक करता हूँ। जस्ट प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन के नीचे मैंने ऐड किया है मेटा बॉक्स और टू एक्शंस, उसके बाद पार्टनर सेक्शंस, रिसेंट प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स लास्ट में है, कोई बात नहीं, उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके जस्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन के नीचे ले लेते हैं, उसके बाद रिफ्रेश करते हैं। एक बार बैकएंड रिफ्रेश करेंगे एंड यहाँ पे ओके रिसेंट प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स टाइटल्स एंड सब टाइटल। तो यहाँ पे पहले टाइटल्स को कॉपी करेंगे, यहाँ पे टाइटल को पेस्ट करेंगे, उसके बाद ये वाला सब टाइटल से उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पहले टाइटल्स और सब टाइटल्स उसको पहले हम डायनामिक करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट क्रिएट करेंगे और उसके बाद फेच सॉफ्टवेयर को करेंगे। यहाँ पे मैं दोनों चीजें ऐड कर दी है, यहाँ से मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ होम पेज में मेरा सेक्शन कहाँ है। ओके यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ पीएचपी टैग स्टार्ट, पीएचपी टैग एंड, डॉलर सी को, यहाँ से हमें एक फील्ड ले लेना है स्लाइडर वाली जो फील्ड है उसी को हमें कॉपी कर लेना है, कॉपी करके यहाँ पे मेरे को उसको पेस्ट करना है, और यहाँ पे मेरे को क्या करना है सिर्फ मेटा की चेंज करना है उसकी। तो यहाँ पे आएगा रिसेंट प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स पेस्ट, यहाँ पे रिसेंट प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स, उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करूंगा प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर प्रिंट अंडरस्कोर आर में क्या वैल्यू हमें मिल रही है वो पहले चेक कर लेते हैं। कोड को वन बाय वन चेक करना है,
ओके, यहाँ पे मेरे को मिल रहा है टाइटल्स एंड सब टाइटल्स। यहाँ से मैं वेरिएबल कॉपी करूंगा, H2 वाला है वो मेरा, सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं। H2 वाला टाइटल्स है और उसके ऊपर सब टाइटल्स है। डॉलर PHP एंटर स्टार्ट, डॉलर इकोस, डॉलर रिसेंट प्रॉपर्टी, सिंगल इन्वर्टेड में टाइटल्स, उसके बाद स्क्वेयर सॉरी सेमी कॉलम्स। यहाँ पे PHP स्टैक को वापस कॉपी कर लेते, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा सब टाइटल्स, प्रिंट अंडरस्कोर आर को यहाँ से रिमूव कर देते, यहाँ पे चेक कर लेते। यहाँ पे एरर्स है 258s में, के वार्निंग एरर है सब टाइटल्स के। यहाँ पे रिसेंट प्रॉपर्टी है, व्हाट इज इश्यूज, रिसेंट प्रॉपर्टी को एक बार ओपन करते हैं। यहाँ से सब टाइटल को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सब टाइटल्स डॉलर रिसेंट प्रॉपर्टीज टाइटल्स। ओके, यहाँ पे एरे कोई बात नहीं, तो यहाँ पे मैं कंडीशन ऐड कर दे रहा हूँ कि डॉलर्स वार्निंग एरर है, तो यहाँ पे मैं एट द रेट पहले ऐड करके चेक कर लेते हैं। एट द रेट से नहीं चले, सो जस्ट यहाँ पे वार्निंग एरर, यहाँ पे कंडीशन ऐड करना रहता है, लेकिन यहाँ पे मैं अभी के लिए जस्ट वार्निंग को मैं डिसेबल कर दूंगा। वार्निंग डिसेबल्स PHP वर्डप्रेस, जस्ट जो वार्निंग वाली जो नोटिस है उसको पहले डिसेबल कर देते हैं, लास्ट में हम कंडीशन तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो कोड है वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और config.php फाइल्स के अंदर उसको पेस्ट कर देता हूँ। उसकी वजह से हमें क्या है कि कोड करने में हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। डिस्प्ले एरर ऑफ एरर रिपोर्टिंग्स एंड WP डिबग्स फॉल्स ऑलरेडी है फॉल्स, एंड यहाँ पे मैं इसको फ्रेश कर देता हूँ। एरर जो हमारी चली गई, ओके, यहाँ से हमारी जो एरर है वो यहाँ से निकल गया है एरर। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट करते हैं, यहाँ पे एक एरर आ रही है एरे करके, ओके, उसको यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। ओके, ये वाला जो पार्ट है वो मेरा रिसेंट प्रॉपर्टी वाला और डायनामिक हो गया है। अभी हमें क्या करना है, शॉर्टकट को ऐड करना। तो शॉर्टकट का कोड कहाँ से चालू हो रहा है, तो यहाँ से चालू हो रहा है रो, ये 1 रो है, एक रो के अंदर मल्टीपल कॉलम से, ये 1, ये 2 एंड ये 3 प्रॉपर्टी ब्लॉक्स। ओके, यहाँ पे स्लाइडर भी है, तो स्लाइडर की जरूरत नहीं हमें, सिंपल इमेज टाइटल्स एंड प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशंस, प्राइस, एड्रेस एंड ओके, इतना ही चीज, फ्यूचर इमेज इतने ही हमें जरूरी है इनके। तो यहाँ से मैं कोई भी एक ब्लॉक ले लेता हूँ, यहाँ से प्रॉपर्टी 2 वाला मैं चलो ब्लॉक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे रो भी है, 1 रो, रो के अंदर ब्लॉक है सारे, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ 1 ब्लॉक, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद ऊपर एक रो है, रो को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे उसको इसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट करेंगे।
यहाँ पे ड्यू को क्लोज करेंगे। यहाँ पे एक बार फॉर्मेट कर देते हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें रो तो हमें ऐड कर दिया है, एक कॉलम भी, अभी हमें क्या करना है, रो के अंदर कॉलम है उसको हमें लूप में ऐड करना है, उसको हमें लूप घुमाना है। किसको करना है, हमें कॉलम को ऐड करना है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं यहां से डिलीट कर दूंगा। रो वाला जितना भी हमारा ड्यू है तो सारा का सारा ड्यू को मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। ओके, और इसकी जगह पे मेरा शॉर्टकट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं वर्डप्रेस का शॉर्टकट फंक्शन यहाँ पे सर्च करूंगा, वर्डप्रेस शॉर्टकट क्रिएट। ऐड शॉर्टकट करके वर्डप्रेस में फंक्शन है उससे हम शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। पे शॉर्टकट वाला फंक्शन है ये, यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं। यहाँ पे PHP टैग स्टार्ट एंड PHP टैग एंड, उसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूं। ये वाला जो पार्ट है उसको हम लास्ट में ऐड करेंगे। यहाँ पे PHP टैग स्टार्ट, PHP टैग एंड, शॉर्टकट का नेम रहेगा हमारा प्रॉपर्टी ग्रिड एंड फंक्शन देगा प्रॉपर्टी ग्रिड फंक्शन करके मैं फंक्शन क्रिएट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, प्रॉपर्टी ग्रिड फंक्शंस। ये फंक्शन हमें यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, और एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होगा और लास्ट में हमारा कर्ली ब्रैकेट ही यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहां से मैं ये वाला रिटर्न्स वाला हटा देता हूँ। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, उसको पोस्ट की क्वेरी ऐड करना है। जैसे कि अभी हमें क्या करना है, पोस्ट टाइप है हमारा प्रॉपर्टीज, उसके बाद प्रॉपर्टी हमें हमें कौन सी फील्ड ली है उसका हमारा नेम आएगा। ओके, उसके बाद हमें कौन सी फील्ड कस्टम फील्ड ऐड की वो फील्ड यहाँ पे आएगी। तो फर्स्ट यहाँ पे हम रेफरेंस कोड का यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने रेफरेंस कोड ऑलरेडी ओपन कर दिया है, तो टेस्टिमोनियल्स का एक रेफरेंस कोड मैं यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से क्वेरी जस्ट कॉपी किया मैंने। कॉलर्स आर्ग्यूमेंट्स पोस्ट टाइप से टेस्टिमोनियल, लेकिन यहाँ पे पोस्ट टाइप से हमारी प्रॉपर्टीज। पोस्ट टाइप कैसे चेक करोगे आप, यहाँ से पोस्ट टाइप रियल इस्टेट, यहाँ से मैं ऐड करूंगा रियल इस्टेट पब्लिश। पोस्ट पर पेज यहाँ पे के लिए जस्ट 3 करेंगे, यहाँ पे पेज इसका कोई काम नहीं, वो तो लास्ट में ऐड करेंगे जब हम लोड मोर करेंगे तब। तो ये जो शॉर्टकोड है वर्डप्रेस में इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखना कि हम शॉर्टकोड कैसे क्रिएट करेंगे, शॉर्टकोड के बाद हमें लोड मोर कैसे करना है एजेक्स थ्रू। ओके, सारी की सारी चीज हमें यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है, आर्ग्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे एक WP क्वेरीज ऐड किया है फंक्शंस, उसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, सॉरी एरे के बाहर आएगा ये। यहाँ पे पोस्ट, अभी हमें क्या करना है, ये जो पोस्ट है यहाँ पे एक वाइल लूप चलाना है यहाँ से। तो यहाँ से मैं एक कंडीशन ऐड करूंगा, डॉलर इफ, यहाँ से इफ चल रहा है और यहाँ पे हमारा एंड इफ हो जाएगा, एंड इफ क्लोज। उसके बाद हमें क्या चलना है, वाइल लूप चलाना है, लेकिन किसके अंदर चलाना है, रो के अंदर चलाना है, रो से बाहर, यानी कि रो ड्यू के नीचे वाला जो पार्ट है उसको हमें यहाँ पे वाइल लूप ऐड करना है। तो यहाँ से मैं ऐड किया रो के नीचे PHP टैग स्टार्ट, यहाँ पे ऐड किया वाइल लूप्स,
और यहाँ पे हमें ओनली कॉलम के लिए हमें लूप घुमाना है। तो यहाँ पे लास्ट में आएगा वो एंड वाइल्स, एंड वाइल्स डब्ल्यूपी क्वेरी रिसेट क्वेरी। यहाँ पे एंड वाइल आएगा, डब्ल्यूपी रिसेट क्वेरीज। यहाँ से एंड वाइल इफ नहीं आएगा। हमें क्या करना है कि इफ वाला जो पोर्शन है उसको ही भी हमें इसके अंदर ही ऐड कर देना है जहां से हमारा कॉलम स्टार्ट हो रहा है। मैं यहां से उसको ऐड कर रहा हूं। एंड वाइल इफ डब्ल्यू क्वेरी सेट क्वेरी। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो शॉर्ट कोड है उसी को अभी हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट कैसे करना है, यहाँ से पहले चेक कर लेते हैं कि स्टैटिक जो हमारा शॉर्ट कोड है वो जनरेट हो रहा है कि नहीं। वर्डप्रेस डू शॉर्टकट्स करके आता है फंक्शंस, उसी का यूज करेंगे और शॉर्ट कोड हम चेक करेंगे कि हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, फाइल हमारी प्रॉपरली वर्किंग है कि नहीं, वो पहले चेक करेंगे। यहाँ पे है इको डू शॉर्टकट्स, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे होम पेज में मैं उसको PHP टैग के अंदर उसको पेस्ट कर दो। डॉलर इको PHP टैग स्टार्ट एंड यहाँ पे इको स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा शॉर्ट कोड नेम्स। शॉर्ट कोड नेम से मेरा यहाँ पे प्रॉपर्टी ग्रिड, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा प्रॉपर्टी ग्रिड। प्रॉपर्टी ग्रिड करके मैं एक शॉर्ट कोड ऐड किया और जस्ट अभी मैं होम पेज के ऊपर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई आया नहीं है। इको डू शॉर्ट कोड्स, ओके। तो यहाँ पे मैं जस्ट अभी चेक करूंगा, डाई करके चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी फाइल ही कॉल नहीं हो रही है शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं उसको डाई करूंगा, उसके बाद यहाँ पे इको नेम ऐड करूंगा शैलेश। अभी चेक करते हैं, नेम तो मेरा शैलेश प्रिंट हो गया है। उसके बाद यहाँ से जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ। एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ग्रिड शॉर्ट कोड से चेक करते हैं वापस, यहाँ पे नहीं आ रहा है, कुछ मिसिंग है आई थिंक। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे व्हाट इज द इश्यूज। यहाँ पे आपने क्या किया है, शॉर्टकट तो ऐड कर दिया है लेकिन हमारा जो स्टैटिक एचटीएमएल जो कंटेंट वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है आई थिंक। सो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ऑब्जेक्ट क्लीन अप करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लीन एंड रिटर्न करना पड़ेगा तब जाके वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे हम करेंगे डॉलर्स इफ कंडीशन स्टार्ट एंड एंड उसके बाद पीएचपी वाला टैग है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर से यहाँ पे रेफरेंस लेंगे हम शॉर्ट कोर्स का। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लीन करवाया है, कोई बात नहीं, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट क्लीन करेंगे फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिस्ट है, तो यहाँ पे आएगा प्रॉपर्टी ग्रिड ऑब्जेक्ट स्टार्ट एंड लास्ट में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को क्लीन करना है। तो ये जो वाला ऑब्जेक्ट है ये मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्लीन, एंड मेरे को लास्ट में कहाँ करना है, व्यू के नीचे करना है।
ऑब्जेक्ट क्लेन्स, यहां से मैं कॉपी कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्लेन्स। कलर्स कॉपी, यहां से जो मेरा वेरिएबल्स नेम है यहां से मैंने कॉपी किया, यहां से पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्ट एंड ऑब्जेक्ट क्लीन। इसके बाद कंडीशंस मेरी यहाँ पे है, हमें प्लस प्लस भी करना है यहाँ पे, इफ कंडीशन स्टार्ट एंड वाइल्स, तो फर्स्ट क्या होगा एंड वाइल होगा, उसके बाद इफ कंडीशन स्टार्ट एंड क्लोज, इसी का ही हम रेफरेंस यूज करेंगे। स्टार्ट एंड कंडीशन, इफ कंडीशन से इफ ओके गॉट इट। सो पे जो एंड इफ कंडीशन है उसको हम नीचे ऐड करेंगे, डब्ल्यू पी रिसेट क्वेरीज, उसके बाद डब्ल्यू पी रिसेट क्वेरी एंड वाइज स्टार्ट, अभी चेक करें। अभी भी हमारा डेटा नहीं आ रहा है, तो हम प्रेपरेटरी में जाके अभी यहाँ पे हमें क्या किया है, डब्ल्यू पी क्वेरी में हमें पोस्ट टाइप रियल इस्टेट किया है, पोस्ट स्टेटस पब्लिश किया है, पोस्ट स्टेटस यहाँ पे पब्लिश किया है, इसकी वजह से यहाँ पे जो पब्लिश वाली चीज है वही यहाँ पे आएंगी। शायद इसको हम कमेंट करके चेक कर लेते एक बार, हमारा जो स्टैटिक एचटीएमएल है वो हमें आना चाहिए क्योंकि हमें वाइल लूप में भी ऐड कर दिया है, यहाँ पे नहीं है। और हम एक जस्ट नया एंट्री ऐड करते हैं क्योंकि हमारी जो क्वेरी है वो रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में से आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने जस्ट डमी ऐड क्वेरी की है, ऐड पोस्ट की है मैंने, यहाँ पे दो में कर रहा हूँ यहाँ पे पोस्ट, ओके यहाँ पे दो में, फिर रिफ्रेश करना मे भी आना चाहिए यहाँ पे, ओके यहाँ पे अभी हमारी प्रॉपर्टी हो फाइनली यहाँ पे आ गई है, लेकिन स्टैटिक एचटीएमएल आई है। तो अभी हमें क्या करना है, इसी को ही हमें अभी डायनामिकली करना है, राइट। तो फर्स्ट अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटा को कॉपी करेंगे, यहाँ से टाइटल्स, उसके बाद एड्रेस, वन बाय वन यहाँ से हम पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स है, यहाँ पे प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स में उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, रिसेंट प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स के अंदर ये वाली चीजें यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी, रिपीटर्स वाली फील्ड्स, सो यहाँ पे जस्ट टैक्स फील्ड ही आना चाहिए था, तो कोई बात नहीं यहाँ से हम चेंज कर देंगे उसको, और रिसेंट प्रॉपर्टी वाला जो सेक्शन से उसको हमें प्रॉपर्टी में फेच किया है, यहाँ से जो रिपीटर में जो फील्ड आ रही है उसी को मैं ग्रुप में ले लेता हूँ, ग्रुप में कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ से सेव कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम वाइल्ड लूप में चला रहे वो सारी की सारी फील्ड्स, तो उसके लिए यहाँ पे ग्रुप नहीं आएगा, सिंपल यहाँ पे रिपीटर, सॉरी रिपीटर फील्ड नहीं आएगा, ओनली ग्रुप ही आएगा। यहाँ से मैं सर्च कर रहा हूँ, ओके यहाँ पे हमारा फील्ड्स आ गया, राइट। उसके बाद इमेजेस से, तो इमेजेस में यहाँ से ले लेता हूँ प्रॉपर्टी इमेजेस, तो यहाँ पे मैं दो तीन फील्ड ऐड कर रहा हूँ बैकएंड में, यहाँ पे अननेसेसरीज वाली जो टैब है वो यहाँ पे मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी की चार पांच यहाँ पे एंट्री ऐड करेंगे, पोस्ट टाइप क्रिएट करेंगे, पोस्ट की क्रिएट करेंगे बाय डिफॉल्ट 4 to 5 पोस्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टोटल हमारा डेटा हम कस्टम फील्ड से फेच करेंगे, नेक्स्ट उसके बाद हम लोड मोड करेंगे, तो यहाँ पे हम मैन्युअली ऐड करेंगे। यहाँ से मैं इसको ट्रेस कर देता हूँ, वापस मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड प्रॉपर्टीज, उसके बाद नंबर्स, उसके बाद यहाँ से प्रॉपर्टी इमेजेस ले लेना है हमें, प्रॉपर्टी इमेजेस टू,
यहाँ से एड्रेस, ये वाला यूनाइटेड स्टेट है, स्टेट को यहाँ पे ऐड करेंगे, एड्रेस ऐड करेंगे, उसके बाद स्क्वायर फुट, स्क्वायर फुट, उसके बाद बेडरूम्स, 4 बेडरूम्स, 5 गैरेज, उसके बाद बाथरूम्स, 2 बाथरूम्स। प्राइस रहेगी हमारी जो मेनली है वो ऐड कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मोर डिटेल्स बटन से यहाँ पे लिंक ऐड कर देंगे, मोर डिटेल्स, सॉरी यहाँ पे यूआरएल, यूआरएल में हैश कर देते, यहाँ पे मोर डिटेल्स ऐड करेंगे, डिटेल्स, ऐड लिंक्स, पब्लिश, ओके, ये फर्स्ट हो गया। यहाँ पे हम और 2 दिन ऐड कर दे रहे हैं, प्रॉपर्टीज, अपार्टमेंट, यहाँ पे मैं जस्ट ऐड कर दे रहा हूँ विला, अपार्टमेंट, विला, 7, 8, 9,
तो यहाँ पे हमें क्या किया है, 6-7 हमें एंट्री यहाँ पे ऐड किया है। अभी हमें क्या गया, डायनेमिकली करना है उसको। पे हम फर्स्ट ऐड करेंगे डॉलर पोस्ट को प्रिंट अंडरस्कोर आर करेंगे, उसके अंदर चेक करेंगे कि हमें वैल्यू क्या मिल रहा है। प्रिंट अंडरस्कोर आर, इसके ऊपर हम की को प्रिंट करेंगे। तो स्क्रीन यहाँ पे मेरा नाम ऐड कर रहा हूं, ओके। यहाँ पे हमें एक एरे मिल रहा है, एरे में से अभी हमें क्या ऐड करना है, आईडी लेना है। आईडी के हिसाब से हमें ऐड क्या ऐड करना है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, टाइटल्स, ये देखो यहाँ पे टाइटल्स आया है। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा पोस्ट टाइप्स, जो भी कस्टम फील्ड्स है वही कस्टम फील्ड्स हमें यहाँ पे ऐड करना है आईडी के बेस पे। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं आईडी ऐड करूंगा, आईडी कॉपी कर लेता हूँ और टाइटल जस्ट ऐड करूंगा यहाँ पे, गेट द टाइटल्स। सो यहाँ पे डॉलर PHP स्टार्ट, गेट टाइटल्स, इको नहीं आएगा यहां से, टाइटल्स का स्पेलिंग रॉन्ग है। डॉलर प्रिंट है वो यहां से मैं रिमूव कर रहा हूं, यहां पे चेक कर रहा हूं, यहां पे टाइटल्स नहीं आया। तो हमें टाइटल्स भी यहाँ से गेट करना है, यहाँ से चेक कर लेते हैं हम। ये प्रोजेक्ट भी हमें ही डेवलपमेंट किया है, तो उसी का ही हम रेफरेंस लेंगे मोस्ट ऑफ गेट द टाइटल्स ही। यहाँ पे भी हमें सेम ही ऐड किया है, लेकिन नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो वापस हम ऐड करेंगे गेट द टाइटल्स इक्वल्स, उसके बाद चेक करेंगे, ओके डन। टाइटल्स हमारा डायनेमिकली आ गया, अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट 7 8, होम विलास। उसके बाद हमें क्या करना है, कस्टम फील्ड, हमें एड्रेस है, स्टेट है, वो सारी की सारी हमारी कस्टम फील्ड्स। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे उसको कस्टम फील्ड्स, फंक्शन डॉट PHP फाइल्स, गेट पोस्ट मेटा, गेट स्पॉट्स मेटा में से एक वैल्यू ले लेते हैं यहीं से, यहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन फील्ड को ऐड करते जाएंगे बैकएंड में। प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स को मैंने पहले ओपन किया, उसके बाद यहाँ पे क्या है, इमेजेस है, तो यहाँ से इमेजेस में ऐड करूंगा प्रॉपर्टी इमेजेस, नए वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। उसके बाद एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस ऐड करेंगे, नेक्स्ट स्टेट, सारी की सारी जितने भी मेटा बॉक्स है यहाँ पे हम कॉपी करेंगे उसको और पेस्ट करेंगे। स्टेट
यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, गेट कर दिया है। जितने भी हमारी बैकेंड में जितने भी पोस्ट है, कस्टम फील्ड हमें क्रिएट किए, उसी को हमें क्या किया है, गेट किया है आईडी से, गेट आईडी से। अभी हमें क्या करना है, उसके अंदर डायनामिकली फेच करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको जहाँ पे भी हमारी जो स्टेट है, बेडरूम से गैरेज है बाथरूम है, उसको हम पहले डायनामिक करेंगे। फर्स्ट एड्रेस से स्टार्ट करेंगे, एड्रेस से यहाँ पे हमारा, तो ये एड्रेस को यहाँ से हम चेंज करेंगे PHP TextStar एंड इंपोर्ट्स डॉलर एड्रेस। इसके बाद चेक कर लेते हैं फर्स्ट वैल्यू हमारी। ओके अपार्टमेंट्स बार हाउस आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर आर्स एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे एड डॉलर्स इक्वल्स शैलेश, आई थिंक हमें वैल्यू नहीं मिल रही है, उसका हम चेक करेंगे। शैलेश है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हमें क्या किया कि हमें एड्रेस गेट करना है, लेकिन हमें जो एड्रेस की वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रही, तो हम एक बार क्या करेंगे, बैकएंड में चेक करेंगे यहाँ पे कि हमारा जो एड्रेस जो मेटाक्स की है वो कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे है प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स। अच्छा ओके, प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स में से आ रहा है, प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स गेट फील्ड रहेगा और उसके अंदर हमारी नल फील्ड रहेगी। यहाँ पे अभी हमें एक मिस्टेक की है, तो यहाँ से ऐड करेंगे पहले प्रॉपर्टी, यहाँ पे ऐड करेंगे पहले प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स, उसमें से हम ये सारी की सारी फील्ड को गेट करेंगे। ऐसे में से मैं यहाँ से ले रहा हूँ गेट फील्ड्स, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड गेट द आईडीज, ये आईडी वाली है यहाँ पे, उसको पेस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे चेक कर रहा हूँ प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स। उसके बाद कॉपी एंड यहाँ पे जस्ट चेक करूंगा प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स। ओके यहाँ पे मेरे को सारी की सारी चीज मिल रही है, टाइटल से, उसके बाद फाइल नेम से, फाइल साइज है, यूआरएल से, ऑल थिंग्स वी आर गेटिंग्स। ओके इसको अभी हम क्या करेंगे, इको प्रिंट आउट करेंगे। पे फर्स्ट एड्रेस, यहाँ पे नया फील्ड क्रिएट करते जाएंगे। एड्रेस ओके, एड्रेस आ गया। तो ये वाला जो फील्ड से वही एड्रेस हम यूज करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे जो हमें एड्रेस ऐड किया है यहाँ पे एड्रेस ऐड कर देंगे, इको सेमी कॉलम स्टार्ट एंड, और यहाँ से प्रिंट अंडरस्कोर आर निकाल लूंगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके हमारा जो एड्रेस है वो परफेक्ट है। नेक्स्ट है स्क्वायर फुट कॉपी।
स्क्वेयर ब्रैकेट में ओनली हमें मेटा की ही चेंज करनी है। मैं जस्ट पेस्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एड्रेस की जगह पे आएगा यहाँ पे स्क्वेयर फुट में, स्क्वेयर फुट। उसके बाद आए बेडरूम्स, उसके बाद है गैरेज, उसके बाद है बाथरूम्स, ऑफिस करना है। बाथरूम को थ्रीज है, उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल देना है, गैरेज वाले को निकाल देना है। नेक्स्ट है प्राइस, प्राइस से भी यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ से उसको पेस्ट कर देना है। प्राइस की वैल्यू चेक कर लेते हैं यहाँ पे प्राइस। उसके बाद यहाँ पे आएगा फेस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं वन बाय वन। एड्रेस आ गया स्क्वेयर फुट, बेडरूम, गैरेज, बाथरूम्स एंड प्राइस। ओके, ये हो गया। अभी करेंगे मोर डिटेल्स। इसको पहले एक बार हम रिमूव कर देते हैं। और वन थिंग्स यहाँ पे रह गई है, प्रॉपर्टी इमेजेस। तो यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टीज इमेजेस वाला जो एरे है वो मैं कौन सा इसमें मिल रहा है। यहाँ से मैं डिलीट कर दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज इमेजेस, सॉरी मेटा बॉक्स। रिकवरी प्रॉपर्टी इमेजेस, इसके अंदर हमें मिल रहा है यूआरएल्स। यहां से मैं ऐड करूंगा प्रॉपर्टीज इमेजेस। एंड और एक स्क्वेयर ब्रैकेट में आएगा यूआरएल। से दोनों कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो स्टैटिक वाला जो पाथ है उसकी जगह पे उसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। टेक स्टार्ट एंड उसके बाद इको डॉलर्स स्टार्ट एंड एंड जो ओपन जो ओपन्स वाली जो इमेजेस है यहाँ पे लाइट बॉक्स, लाइट बॉक्स में भी सेम इमेजेस यहाँ पे पाथ में कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ लाइट बॉक्स में भी। ओके, दोनों सेट हो गया है। अभी चेक कर देते हैं। ओके, परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे अपार्टमेंट मॉडल 7 वाला जो है उसके अंदर हमारी इमेज नहीं आई है। कोई बात नहीं, यहाँ से इमेज भी ऐड कर देंगे उसके लिए। इमेजेस प्रॉपर्टीज ये वाली मैं इमेज ऐड कर दे रहा हूँ सिंपल। सॉरी, वो इमेज थोड़ा ब्लर है, नया इमेज ऐड करेंगे। प्रॉपर्टीज इमेज फोर्स, प्रॉपर्टी इमेजेस सेवंस। ओके, परफेक्ट। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 क्यों दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। तो यहाँ पे मैं 6 कर दे रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे डायनामिकली आ गया है, सारे के जितने भी हमारे ये यहाँ पे आ गए। लेकिन यहाँ पे स्क्वेयर फुट नहीं दिख रहा है, तो स्क्वेयर फुट के लिए हमें ऑलरेडी स्लग चेंज किया था, इसकी वजह से नहीं दिख रहा है, नो डाउट। इसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ स्क्वेयर फुट में मैन्युअली। अपडेट
यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्क्वेयर फुट वाला जो हमारा पार्ट है वो यहाँ पे आ गया है। स्क्वेयर फुट वाली वैल्यू आ गई है, बेडरूम्स आ गए, बाथरूम्स, बेडरूम में थोड़ा स्पेस देना ऐड बाकी है क्योंकि जो फ्रंट है वो उसके साथ आ रहा है, ज्वाइंट आ रहा है। ठीक है, हमने ऐड कर दिया उसको। एड्रेस आ गया, स्टेट आ गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे बेडरूम से। उसके बाद ये जो और हो रहा है यहाँ पे हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो ये वाला एनिमेशन हम यहाँ से निकाल देते हैं। क्या है इसके अंदर कैमराज है एंड यानी कि इमेजेस है। सो नाउ वी आर रिमूविंग दैट कोर्सेस फ्यूचर्स। ये जो बैचेस है वो हमारी प्रॉपर्टी टाइप्स है और ये हमारा प्रॉपर्टी स्टेटस है। फ्यूचर्स कैटेगरीज क्या है वो ये हमें अभी ऐड करना है उसको। इसका HTML चेक कर लेते हैं एक बार, ये कहाँ से आ रहा है। ये 2 years ago, इसका कोई जरूर नहीं है। ये भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं ये वाले, ये वाला सेक्शन है वो ऑप्शंस का, यहाँ से वो रिमूव कर देते हैं। अननेसेसरी जो फील्ड्स है वो हमें यहाँ से रिमूव कर दें और जो इम्पोर्टेंस है जो मेन चीजें वही हमें यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे एड्रेस आ गया हमारा, प्रॉपर्टी एलिमेंट ये आप देख रहे हो कि अपार्टमेंट बार्स एंड अपार्टमेंट हाउस, अपार्टमेंट हाउस ये पे जो आ रहा है वो हमारा। अभी हम क्या करेंगे, कैटेगरी ऐड करना है हमें। कौन सी कैटेगरी ऐड करना है, यहाँ पे बैकएंड में फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टेटस। प्रॉपर्टी स्टेटस में रहेगा प्रॉपर्टी हमारी बाय है कि रेंट है, सेल प्रॉपर्टी है, उसकी कैटेगरी आएगी। प्रॉपर्टी टाइप्स क्या है, जैसे कि बंगलाज है, विलोज है, विलाज है, एक्सेट्रा। ओके, ये दो कैटेगरी पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टेटस में मैं ऐड करूंगा, प्रॉपर्टी मेरी रेंट है, बाय है, यहाँ पे मैं ऐड किया रेंट। यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल्स ऐड करते रहो। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दे प्रॉपर्टी बाइस, ये मेरा प्रॉपर्टी स्टेटस हो गया। ये जो स्टेटस है वो स्टेटस हमें यहाँ पे फेच करना है। ओके, प्रॉपर्टी सेल्स, प्रॉपर्टी सेल्स, प्रॉपर्टी सेल्स, यहाँ इसकी जगह पे हमारा प्रॉपर्टी सेल आएगा। तो अभी मेरे को क्या करना है, इसको असाइन कर देना है। यहाँ से मैं एडिट करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट है प्रॉपर्टी बाइस, बाय वाली प्रॉपर्टी है। यहाँ पे सेवंस रेंट प्रॉपर्टी है, मैन्युअली मैं यहाँ पे कैटेगरी असाइन कर दे रहा हूँ हर प्रॉपर्टी के लिए। तो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और ये जो वीडियो लास्ट तक एंड तक देखिए। हमारे जितने भी प्रॉपर्टीज के हमें वीडियो क्रिएट किए वो सारे प्रॉपर सारे वीडियो आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखोगे तो ही आपको आइडिया आएगा कि हमें प्रोजेक्ट कैसे हम कर रहे हैं और उसका हम क्राइटेरिया क्या है, फंक्शनलिटी हम कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। पहले से ही आप देखना उसको स्टार्ट करें तो ये आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे वर्क करना है। प्रॉपर्टी टाइप्स है तो प्रॉपर्टी टाइप्स में हम ऐड करेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी कौन सी टाइप की है, अपार्टमेंट से, बंगला से, विला से, कमर्शियल से, उसके हिसाब से। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है अपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ बंगलोज। हम बैकेंड में से भी ऐड कर सकते हैं, नो डाउट। यहाँ से मैं ऐड कर दे रहा हूँ प्रॉपर्टी टाइप अपार्टमेंट, बंगलोस, कमर्शियल्स।
यहाँ से मैं डिग्री आई थिंक यहाँ से क्रिएट करेंगे कमर्शियल्स थर्ड से विला। तो यहाँ पे हमारी टोटल चार प्रॉपर्टी टाइप्स है, चारों प्रॉपर्टी टाइप्स को भी हम यहाँ से असाइन कर देंगे कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो सेम थिंग्स यहाँ से मैं उसको एडिट करूंगा, सॉरी यहाँ से उसको एडिट करूंगा और यहाँ पे सारे के जितने भी हमारी है उसको मैं यहाँ पे सेट कर लूंगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज टाइप्स है,
तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ फ्यूचर प्रॉपर्टी कैटेगरीज। फ्यूचर प्रॉपर्टी कैटेगरी में क्या होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को फ्यूचर के लिए डिस्प्ले शो करवाते हो। ओके, शो करवा सकते हो। जैसे कि आप अपनी नई प्रॉपर्टी लिए है और बेचना है, तो आप विजिटर को बता सकते हो कि ये मेरी फ्यूचर कैटेगरी है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे फ्यूचर कैटेगरी का बैच लगा रहा हूँ मैं। यहाँ पे यहाँ से मैं स्टार्ट करना है। ओनली दो ही प्रॉपर्टी को मैंने किया है, वन एट दी अपार्टमेंट एंड सेकंड एट दी होम विला। अन्य आप प्रॉपर्टी को आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई फ्यूचर है प्रॉपर्टी नहीं है, ओनली दो ही प्रॉपर्टी की। आप यहाँ से बैकएंड में से ऐड कर सकते हो प्रॉपर्टी, जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी फ्यूचर से, तो इसको आप पोस्ट भी असाइन कर सकते हो। ऑल प्रॉपर्टी में यहाँ पे जो आपको प्रॉपर्टी को फ्यूचर करना है, आप फ्यूचर करोगे तो यहाँ पे फ्रंटेड में उसको फ्यूचर का बैच आ जाएगा। अभी हमारा यहाँ पे लॉट्स ऑफ थिंग्स, जैसे कि हमारे कंप्लीट हो गया है प्रॉपर्टी वाला जो स्टेटस है, उसके बाद जो टाइप्स है प्रॉपर्टीज एंड प्राइस है, वो सारी चीज यहाँ पे हमें मेंशन हो गई है, कंप्लीट हो गई है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मोर डिटेल्स वाला पेज, वो मेरे को पता है मोर डिटेल वाला पेज, बट इसको हम परमालिंक ऐड करेंगे, सिंगल पेज पे डिस्प्ले ले जाएंगे। लेकिन यहाँ से जो फील्ड्स है यहाँ पे मोर डिटेल्स पेज, यहाँ से इसको हम रिमूव कर देंगे, इसकी अभी जरूरत नहीं है। मोर डिटेल वाला जो बटन से ओनली यहाँ पे गेट परमालिंक फंक्शनलिटी यूज करेंगे, सीधा क्लिक करने के डिटेल पेज पे जाएगा। सो यहाँ पे इमेजेस है एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी है, रेंट है, सेल्स है, सारी की सारी चीज हमें डायनामिक हो गई है। तो इसी टाइप से हम एसीएफ फील्ड को डायनामिकली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे लोड मोर सेक्शन है, तो लोड मोर अभी हम फंक्शनलिटी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी जो लोड मोर वाला जो फंक्शनलिटी है उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो उसका जो एजेक्स है हम कैसे स्टार्ट करेंगे वो अभी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट है, रेफरेंस लेंगे हम उसी कोड का जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट किया है, काफी सारे प्रोजेक्ट किए हैं हमें, तो उसी का ही रेफरेंस लेंगे। फर्स्ट है फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर हमें एक एंक्यू क्रिएट करना है, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ डब्ल्यू पी एंक्यू स्क्रिप्ट, हमारी फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स यहाँ से मैंने ओपन की है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, एंक्यू स्क्रिप्ट में यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे टेम्पलेट पार्ट है, टेम्पलेट पार्ट की हमें जरूरत नहीं है, मैन्युअली हमें ऐड करना है। यहाँ पे डब्ल्यू पी एंक्यू स्क्रिप्ट फोर डॉट जेएस लोड मोर बटन्स, लोड मोर हमें क्या करना है प्रॉपर्टी ग्रिड के लिए ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा प्रॉपर्टी ग्रिड, प्रॉपर्टी ग्रिड जेस, ओके प्रॉपर्टी ग्रिड लोड एंड यहाँ पे कोर जेस मैंने ऐड किया है। यहाँ पे एजेक्स प्रॉपर्टी ग्रिड आएगा, यहाँ पे एजेक्स प्रॉपर्टी ग्रिड। डब्ल्यू पी लोकलाइजेशन स्क्रिप्ट किसके लिए यूज करते हैं, वर्डप्रेस में एजेक्स यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं। पोस्ट पर पेज आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पे जो हमारा डब्ल्यू पी रियल एस्टेट स्लग्स है वो यहाँ पे आएगा, डब्ल्यू पी रियल एस्टेट। लोकलाइजेशन हमें किसको करना है, प्रॉपर्टी ग्रिड लोड डॉट जेएस के लिए। तो यहाँ पे मैं बैकएंड में एक फाइल क्रिएट करूंगा, यहाँ पे एसेट में जाना है और यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करना है मेरे को प्रॉपर्टी, यही नेम यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं सिंपल। यहाँ पे मैंने किया है फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर प्रॉपर्टी ग्रिड डॉट जेएस, एसेट एसेट में एक न्यू फाइल क्रिएट करना है प्रॉपर्टी ग्रिड डॉट जेएस। ओके, अभी हमें क्या किया है शॉर्ट में, एंक्यू किया, लोकलाइजेशन किया, दैट्स गुड। एजेक्स के लिए करना है हमें पोस्ट पर पेज, एडमिन एजेक्स यूआरएल्स, नो पोस्ट फाउंड, मैसेज फाइंड किया है। ओके, अभी हमें कुछ क्वेरी के अंदर चेंजेस करना है, क्वेरी के अंदर पोस्ट पर पेज
उसका वेरिएबल आएगा, पेज रहेगा। ओके यहाँ पे मैं जा रहा हूँ पुश पर पेज को, यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ पुश पर पेज पे। गेट ऑप्शंस पोस्ट पर पेज, यहाँ पे मैं 3 ऐड कर दे रहा हूँ। डॉलर पोस्ट ग्लोबल्स फाइंस डब्ल्यूपी न्यूज कैरी टोटल पोस्ट, यहाँ पे टोटल पोस्ट काउंट होगा, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस काउंट होगा। ऐसे स्टार्ट होगा लास्ट में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पे एक कंडीशन लगेगी सिंपल्स लोड मोर बटन के पास, यहाँ पे मेरा लोड मोर बटन से। सो यहाँ पे लोड मोर बटन को भी हमें अंदर ही लेना था, उसको बाहर ऐड कर दिया है, नो इश्यूज। सो यहाँ से मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके शॉर्टकट के अंदर पेस्ट कर दो। वीडियो ब्रेक स्टार्ट, इनर बॉक्सेस, उसके बाद में आते आएगा लोड मोर बटन्स। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ मेरी कंडीशंस, लोड मोर बटन लास्ट में आएगा क्योंकि उसको लूप नहीं घुमाना है हमें, इसकी वजह से पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं कंडीशन ऐड करूंगा, ये कंडीशन स्टार्ट बटन पोस्ट कंडीशंस क्लोज। यहाँ पे हम ऐड कर ही देते हैं, यहाँ पे डॉलर डॉलर पोस्ट पर पेज, यहाँ पे ऊपर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ पोस्ट पर पेज कॉपीज एट ऑप्शंस, यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ 3, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे वेरिएबल की जरूरत है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे वेरिएबल 3 भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉलो करना है जैसे हमें एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में किया है सेम वैसे ही। ओके तो मैं ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ आएगा 3 पोस्ट यहाँ पे 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो इसकी वजह से 2 बार यहाँ पे लोड मोर बटन आ गया। ये हमें क्या करना है, सिर्फ जेएस में जाना है, जेएस ऐड करना है, यहाँ से मैं कॉपी करूंगा जेएस डॉक्यूमेंट स्टार्ट, तो यहाँ से एंड हो रही है लोड सर्च पेज और सर पेज एजेक्ट्स। ओके ये नहीं है, इतना ही है, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पहले कॉपी और यहाँ से पेस्ट, सेमी कॉलम स्टार्ट एंड
डॉक्यूमेंट रेड स्टार्ट एंड, पहले हमें क्या करना है, चेक करना है। ऐसा नहीं कि हमें जेएस ऐड कर दिया हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है, पहले चेक करना होता है जेएस कॉल हो रही कि नहीं, नहीं तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ एरर आ जाएगी। ओके डन, जेएस भी यहाँ पे कॉल हो रही है। प्रॉपर्टी लोड मोड, ये क्या है पता है आपको, पीएचपी एजेक्स यूआरएल जो हमने यहाँ पे कॉल किया था वो था एजेक्स का, हमें जो ग्रिड लेना है कोई वो है, जैसे कि लोकलाइज का स्लग है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कॉल करना है एजेक्स टेस्टिमोनियल की जगह पे एजेक्स प्रॉपर्टी ग्रिड्स। यहाँ पे हमें क्या किया, डब्ल्यू पी एजेक्स वर्डप्रेस का एजेक्स कॉल करने के लिए यहाँ पे फंक्शनलिटी मैंने कॉपी किया है, वो यहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है। यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा फंक्शन नेम्स मोर प्रॉपर्टी एजेक्स, और मेरा एजेक्स का फंक्शन नेम से, और यहाँ पे डब्ल्यू पी एजेक्स यू आर एल से मेरी मोर प्रॉपर्टी एजेक्स। नॉन प्रीव और प्रीव में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ये दोनों एक्शन का यूज भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑफिशियली बताऊंगा। सो यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। थैंक्स एंड ओके।
जैसी फंक्शनलिटी हो जाएगी वैसे मैं आपको एक्सप्लेन अगेन कर दूंगा कि हमें क्या किया है, कैसे जेएस कोड किया है और एजेक्स में हम कैसे फंक्शनलिटी की है सारी। एक बार हमारी वर्किंग हो जाएगी उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे हमें कर सकते हैं।
हमें क्या किया है कि हमारा जो भी HTML पार्ट था प्रॉपर्टी ग्रिड वाला शॉर्टकट वाला वही हम यहाँ से कॉपी किया और उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे कॉन्कैटेनेशन करेंगे। कॉन्कैटेनेशन में करके उसको हम डायनामिकली अपेंड करेंगे एज एक्स थ्रू। यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमें ऑलरेडी फंक्शन डॉट पीएचपी में कोड ऐड किया है एजेक्स का, लेकिन यहाँ पे मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ
वैसे मेरा एजेक्स भी कॉल हो रहा है, लेकिन हमारी जो जो हमारी दो और जो पोस्ट है वो यहाँ पे नई लोड हो रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिबग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एडमिन एजेक्स हमारा यहाँ पे कॉल हो रहा है, एक्शन भी यहाँ पे हमारी कॉल हो रही है, रिव्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम क्वेरी चेक करेंगे, उसके बाद एक बार हम क्वेरी चेक करते हैं डॉलर आर्टिकल्स। अगर जो हमारी क्वेरी प्रॉपर आती है तो हमारे जो भी इश्यू है वो हमारे जेएस कोड में, जावास्क्रिप्ट कोड में। यहाँ पे मैं प्रिंट अंडरस्कोर आ गया, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे जस्ट लोड मोर किया एजेक्स, यहाँ पे प्रीव्यू किया, यहाँ पे हमारा कोड रन नहीं हुआ। ऐसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं फिर उसको पेस्ट कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे जो है वो डेटा नहीं आ रहा है, यहाँ से मैं कॉपी किया एडमिन एजेक्स प्रीव्यू ओके, इसके अंदर मेरे को तो सारे के सारा डेटा यहाँ पे मिल गया है, जितना भी हमारा डेटा था। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स है उसका हमें डेटा चाहिए, तो इसका डेटा मैं यहाँ से गेट करूंगा। रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, कंसोल में कुछ एरर है यहाँ पे, एरर कनेक्शन से सीएसएस फाइल्स में, इसका तो इश्यू नहीं है। वापस यहाँ पे लोड मोर कर रहा हूँ, लोड मोर करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यूस रिस्पॉन्स, यहाँ पे मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ऐड किया मैंने, वापस रिफ्रेश करता हूँ, वापस चेक करता हूँ लोड मोर बटन के ऊपर क्लिक करके। तभी उसी को हम डिबग करें। वो यहाँ पे लोड मोर पर क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे एरे मिल रहा है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे वैल्यू भी मिल रही है। आई थिंक यहाँ पे कैचिंग का इशू होगा या तो कुछ लग का इशू होगा। सो हमें ऑलरेडी यहाँ पे 3 किल दिए हैं पोस्ट पर पेज, एंड पेज नंबर ऑल्सो यहाँ पे 0 कर दिया है। सो नाउ अभी हमें वैल्यू भी मिल रही है, तो अभी हम क्या करेंगे, प्रिंट अंडरस्कोर आ रहे उसको हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं और जस्ट चेक कर लेते हैं हमारी वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं लोड मोड पे क्लिक कर रहा हूँ ओके, यहाँ पे हमें दो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, दो पोस्ट यहाँ पे मिल रही है ओके परफेक्ट। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो प्राइस वाला जो है लिस्ट वो यहाँ पे हमें नहीं शो हो रहा है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे प्राइस नहीं दिख सकते देख सकते। सो यहाँ पे उसका पहले प्राइस का फील हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे है प्राइस का फील्ड्स, हमें यहाँ पे बैकएंड में नहीं लिया है, तो यहाँ पे प्राइस वाला ऐड कर देते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे प्राइस आ गया है लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है, सो इमेज का इश्यू पहले हम फिक्स करते हैं। ओके, तो सो यहाँ पे हमारा लोड मोर वाला जो फंक्शनलिटी है वो अभी हमारा वर्किंग में है, तो अभी हमें लोड मोर वाला जो फ्यूचर था प्रॉपर्टी के लिए वो अभी हमें फिक्स कर दिया है यहाँ पे। तो आप नंबर ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे बैकेंड में ऐड कर सकते हो, यहाँ पे लोड मोर ऐड कर सकते हो। सो अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें कोड को हमें रिव्यू करना है कि हमें जो कोड किया है वो कैसे किया है, क्या किया है, उसका फंक्शनलिटी कहाँ जा रहा है। ओके, अभी तो हमें कोड कर दिया था लेकिन अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कोड हमें कैसे किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो लोड मोर पे। यहाँ पे मैंने जैसे लोड मोर किया वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टू प्रॉपर्टीज आ गई है सेम। तो अभी हमें जो कोड किया है उसके लिए हमें क्या किया था कि फंक्शन डॉट पी एच पी फंक्शन डॉट पी एच पी फाइल्स के अंदर हमें एक एनक्यू एड किया था। एनक्यू स्क्रिप्ट इसके लिए होता है कि हमें जो एजेक्स में जो यूआरएल पास करनी होती है और जो जेएस कॉल करना होता है उसकी वजह से हम एनक्यू ऐड करते हैं। एंड उसके अंदर एक हम एजेक्स यूआरएल भी पास कर सकते हैं जो हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे यूज होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें यूज किया है जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे एडमिन यूआरएल के पास यहाँ पे एजेक्स प्रॉपर्टी ग्रिड के लिए। ओके, और यहाँ पे हमें क्या किया है नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट हमारे 3 पेजेस है। नंबर पेज वंस यानी कि इसमें होता है कि फर्स्ट नंबर से हमारा काउंटिंग होगा। जैसे ही हमारे फर्स्ट काउंटिंग हो जाएगा उसके उसके नीचे जो 3 पोस्ट होगा वो वापस काउंट करेगा। अगर 1 पोस्ट है नेक्स्ट प्लस करेगा, अगर उसके बाद 2 पोस्ट है तो 2 दिखाएगा, अगर नहीं है तो वहां पे मैसेज शो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा जो फंक्शनलिटी है वो यहाँ पे वर्क करेगा। और यहाँ पे है जीआईएफ लोडर से, वो मैंने अभी ऐड नहीं किया है, वो हम ऐड कर देंगे अगेन। सो हम जैसे ही वेबसाइट यूआरएल रिव्यू करेंगे, रिव्यू के टाइम में हम यहाँ पे कंडीशन भी ऐड करनी है काफी सारी, सो कंडीशन ऐड करेंगे। तो
तो अभी के लिए जो हमारा जो रिक्वायरमेंट था प्रॉपर्टी लोड मोर का, वो प्रॉपर्टी लोड मोर का रिक्वायरमेंट हमें फिक्स कर दिया है। एंड यहाँ पे दूसरा है कि यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट क्रिएट किया है, शॉर्टकट के अंदर मैंने डायनामिकली पोस्ट ऐड किया है और उसका मैंने फेच किया है शॉर्टकट्स। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉपर्टी गिड एंड प्रॉपर्टी फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर मैंने और एक एजेक्स फंक्शन लगाया है यहाँ पे डब्ल्यूपी एजेक्स करके। डब्ल्यूपी एजेक्स करके इसके लिए यूज किया है कि जैसे हम लोड मोर करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो हमें एजेक्स में कॉल होना चाहिए, और एजेक्स में से हमें डेटा गेट करने के लिए हम डब्ल्यूपी एजेक्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी का जो वीडियो था हमारा होम पेज पार्ट 4, वो सारा काफी सारा लेंथी था, इसके लिए हम नीचे के जो सेक्शन है उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाए। तो अगले जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम मोस्ट पॉपुलर सेक्शन एंड मीट एवर एडजेंट सेक्शन पे वर्क करेंगे, लेकिन डिपेंड ऑन द कोर्स, हमारा कोड पे डिपेंड होता है कि हम कोड कैसे करते हैं, हमारा जो कोड है उसमें कितना हमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसके हिसाब से हम वीडियो आपको डिस्प्ले करेंगे। तो थैंक यू सो मच।